हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में रेगुलर रेसिपी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी अरसे के बाद ठाकुर जी के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं एक रेगुलर सब्जी। जब भी हम रोज बरोज की रसोई बनाते हैं तभी हम थोड़ा ज़्यादा ही सोचते हैं कि क्या हम कुछ नया बनाएं और ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो आज की जो रेसिपी है वह आप आपके लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सब्जी है। इस सब्जी का नाम है दही आलू, जो बहुत ही क्रीमी, डिलीशियस और छोटे आलू के साथ बनाई जाती है। इस सब्जी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना ही हमें कोई ज़्यादा मसाले चाहिए और ना ही टमाटर। ज़्यादा वेजिटेबल्स घर पर नहीं है तो यह एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर छोटे आलू लिए हैं 15 से 17। इसे धोकर कुकर में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना नमक और 2 कप जितना पानी। अब कुकर को बंद कर देंगे और लो फ्लेम पर इसके सिर्फ हमें 2 ही विसल बजानी है। कुकर ठंडा हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। आलू जो है वह अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और बिल्कुल भी गले नहीं है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया था, वह मिलाना बहुत ज़रूरी है। आलू को ठंडा करके बाद में इसके पूरे छिलके निकाल देना है। दही आलू बनाने के लिए अब एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप जितना ताज़ा दही लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। हमारा मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अब हम सब्जी बनाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना तेल। तेल गरम हो जाए तब 1 चम्मच जितना जीरा, 2 बारीक काटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जितनी सूखी लाल मिर्च को क्रश करके लिया है या फिर चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, 1/4 चम्मच जितनी हींग और 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर। सब कुछ लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। अब हमने जो मिश्रण रेडी किया था दही वाला वह मिलाएंगे। लो फ्लेम पर हमें कंटिन्यूस 2 मिनट के लिए स्टर करना है, नहीं तो दही जो है वह फट जाएगा। हमने बहुत सारी रेगुलर सब्जी या करी की जो रेसिपीज़ है वह शेयर की है। वह सभी आपको सब्जी रेसिपीज़ की प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। 2 मिनट हो गई है और यह उबल रहा है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला और 2 से 3 टेबलस्पून जितनी बारीक काटी हुई धनिया पत्ती। मिक्स कर लेंगे। बॉईल करके आलू रखे थे वह इसमें डालेंगे। एक टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी। फ्लेम को लो ही रखना है और सब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके वहाँ छोटे आलू अवेलेबल नहीं है तो आप बड़े आलू को भी बॉईल करके कट करके बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा पानी जैसा लग रहा है, मगर जैसे हम कुक करेंगे यह आलू जो है वह सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है। एक से दो मिनट हो गई है। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। सारी ग्रेवी जो है वह आलू को ऊपर से कोट हो गई है।
दही आलू बिल्कुल तैयार है। स्टोव को बंद कर देंगे और बारीक काटे हुए धनिया से दही आलू को गार्निश करेंगे। यहाँ पर हम पराठा के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो दाल चावल के साथ, फुल्का के साथ या कोई भी पराठा के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। अगर आपको दही आलू की रेसिपीज पसंद आई हो तो आप बनाइए, ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।